क्या अजीब सिस्टम है देश का। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ, वेबसाइट जारी होते ही क्रेश हो गई। ठीक है, रिजल्ट जैसे जारी हुआ वैसे आपकी वेबसाइट जो है क्रेश हो गई। सिस्टम समझ नहीं आता, सिर्फ 12वीं का रिजल्ट आया था आज। ये सोचिए अगर 10वीं का भी अगर आ जाता तो साइट तो मतलब ख़त्म ही थी ना। तो मैं आप लोगों को अभी की अपडेट बता रहा हूँ, परेशान आप लोग हो रहे हो, मुझे भी पता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर रिजल्ट नहीं देख पा रहे, कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे। आप वेबसाइट का उपयोग कर लीजिए, वेबसाइट नहीं चल रही है। आप उमंग एप्लीकेशन का उपयोग कर लीजिए, वो भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऑफिशियली जवाब आ गया है जो CBSE हेडक्वार्टर की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये CBSE हेडक्वार्टर का ऑफिशियली ट्वीट अकाउंट है, जिन्होंने बोला है कि अस इन्फॉर्मेट बाय NIC देयर इज अ टेक्निकल इशू इन जो एक्सेसिंग CBSE रिजल्ट, द सेम इज़ लाइकली टू, ठीक है, रिज्यूम इन 2 hours। ठीक है, मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कुछ टेक्निकल इशू हुआ है वेबसाइट पर, इस वजह से रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो ये इन्होंने कहा है कि 2 घंटे के अंदर इस इशू को जो है सॉल्व कर दिया जाएगा, और 2 घंटे बाद यानी अभी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3:30 करीब ये वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, तो मतलब 4-5 बजे तक आप जो है ये रिजल्ट आप देख सकते हो। ठीक है, 5 या 6 बजे तक आप अपना रिजल्ट देखिएगा। इसमें आप लोगों को रिजल्ट देखने में हो सकता है ये साइट ओपन हो जाए या फिर उमंग एप्लीकेशन काम करना स्टार्ट कर दे। तो यार ये चीज़ समझ नहीं आती मुझे कि ऐसा क्यों होता है। आप लोगों को बता दूँ, फालतू के वीडियो देखकर परेशान ना हो। ठीक है, आप लोगों का जो रिज़ल्ट होगा वही रिज़ल्ट अभी भी दिखेगा, और जो रिज़ल्ट आप लोगों का अभी दिखेगा वही बाद में भी दिखेगा। ठीक है, तो फालतू में कैसे रिज़ल्ट देखना है, कैसे देखूँ, नहीं दिख रहा है, क्या उन्हें दिख रहा है, ये सभी चीज़ें जो बातों को सोचकर परेशान ना होइए। ऑफिशियली ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दे दी है कि वेबसाइट नहीं चल रही है, ना ऐप चल रहा है। तो आप लोगों को 2 घंटे का वेट करिए। ठीक है, 4 बजे या फिर शाम तक आपका जो रिज़ल्ट है 6-7 बजे तक आप लोगों का रिज़ल्ट दिखाई दे देगा। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं लगातार आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ जो भी आती है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।